जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार बनानी है और इसकी शुरुआत 2024 के करनी है। 24 का जब चुनाव होगा चाहे ये इतना घूमे 100 सीट भी नहीं उनको देश में मिलेगा। भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, उनका बेटा भी ये वचन करता है महागठबंधन की सरकार दखल करने का काम करेगी। जैसे ही महागठबंधन बिहार में बना, दिल्ली में बैठे हुए थे उनको 440 वोट का तुरंत करंट लगा। भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा और उसको पहचानना है और एकजुट होना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइफ में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। आज सियासी शनिवार का, जहां अमित शाह ने अपनी रैली में जमकर महागठबंधन की सरकार पर हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने लौरिया में मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले जंगल राज पर वार किया। उन्होंने कहा कि बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाना है, साथ ही उन्होंने जनता से 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर मोदी सरकार लाने की अपील भी कर दी। जो जंगल राज लाए हैं उनको सत्ता के बाहर करेंगे, पक्का करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की यहां सरकार बनानी है और इसकी शुरुआत 2024 के करनी है। पश्चिम चंपारण वालों बताओ, 24 में सभी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे ऐसा आवाज नहीं चलता, मोदी जी तक आवाज जाना चाहिए। बोलिए 24 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे। अमित शाह ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूरा समर्थन दिया, सबसे बड़ा दल था, फिर भी मोदी जी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्हें हर 3 साल में पीएम बनने का स्वप्न आता है। जयप्रकाश नारायण से लेकर आज तक जिस जंगल राज के लिए नीतीश कुमार लड़े, आज लालू कांग्रेस की गोद में बैठ गए। भाजपा के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। यह गठबंधन ऐसा है जिसमें जदयू पानी है और राजद तेल, दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। नीतीश कुमार विकासवादी से अवसरवादी बने हैं। जदयू से ज्यादा सीटें भाजपा की थी या नहीं थी, फिर भी मोदी जी ने डबल इंजन सरकार अच्छे से चले और हमारा वादा था कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमने बनाया। मगर नीतीश बाबू भी ऐसे व्यक्ति है कि हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री का स्वप्न आता है, हर 3 साल में। आपको भी मालूम है ना, और इसलिए पूरा जीवन जयप्रकाश नारायण से लेकर आज तक जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यह एनडीए की सरकार बनाई, वो जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की गोदी में बैठ गए हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। और सत्ता के कारण कांग्रेस के सोनिया गांधी के चरणों में लेटे हैं, ये ठीक किया क्या? ठीक किया। नीतीश बाबू, बहुत साल तक आराम गराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। और मैं बिहार की जनता को अपील करने आया हूं, ये जदयू और आरजेडी का मेल जो है, ये अपवित्र गठबंधन पानी और तेल जैसा है। कभी पानी और तेल इकट्ठा होते हैं भाई? होते हैं मित्रों, मगर ये ऐसा गठबंधन है जिसमें जदयू पानी है और आरजेडी तेल है, तेल ही तेल दिखाई पड़ता है। नीतीश बाबू,
आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया है। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है, 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। तो वहीं बिहार में भी आज सियासी पारा हाई है। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली आयोजित की गई, जिसमें महागठबंधन में शामिल सभी दल इस महारैली में शामिल हुए। इस महारैली में सभी ने मिशन 2024 के लिए हुंकार भरा। इस रैली में केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया गया, साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का संकल्प लिया गया। बारी बारी से महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने संबोधन किया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने 1.25 लाख करोड़ में बिहार को 59 लाख करोड़ दिया है। बीजेपी कितना भी घूम ले पर 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। बिहार में तो हम लोग एकजुट हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार में कुछ नहीं भाजपा को मिलेगा, हम लोग की यही कोशिश है। मेरे बारे में कहा कि जॉर्ज को धोखा दिया, जॉर्ज के नेतृत्व में हम अलग हुए, फिर शरद यादव को धोखा देने का आरोप लगाया। असलियत यह है कि हम भाजपा के साथ गए तो वे नाराज हुए। जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे 100 सीट भी नहीं उनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसके साथ लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए, हम लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर बुलंदी नहीं कीजिएगा, अगर नहीं बुलंदी करिएगा, तब फायदा किसको होगा सोच लीजिए। तो अगर चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिले, आई देश को कितना बंटवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करना चाहते हैं, और हम लोग बिहार में इस तरह का किसी को करने नहीं देते हैं, एक एकजुटता पैदा करते हैं तो सब कुछ करके बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये सब काम से क्या मतलब है? आजादी की लड़ाई से इन लोगों का क्या मतलब रहा? वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे पिता लालू यादव ने सांप्रदायिक तत्वों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। जब लालू यादव ने घुटने नहीं टेके तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूं। भाजपा में कोई लीडर नहीं रह गया है, सब डीलर बन गया है। भाजपा नफरत की राजनीति करना चाहती है। आज भाजपा के खिलाफ जो बोलता है उसके यहाँ छापा पड़ता है। भाजपा के साथ जो रहता है वह हरिश्चंद्र हो जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब जब बिहार लड़ता है तब तब दिल्ली हिलता है। भाजपा समाजवादी विचारधारा को खत्म करना चाहती है। नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप डरे नहीं और आपने भाजपा से लड़ने का काम किया। भाजपा ने रेल बेचा, तेल बेचा, BSNL बेचा, LIC को भी बेच दिया। बिहार में जंगल राज के आरोप पर तेजस्वी ने कहा कि यहाँ जनता का राज है। हम अमित शाह को बताना चाहते हैं कि बिहार के लोग बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ हैं। लेकिन हम बोल देना चाहते हैं, भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो हम बता दें कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिल करके, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं, और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। अरे क्या वादा किया था पूर्णिया की मैदान से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे,
2014 में बोला था, मोदी जी बोले थे। आप पूछिए मोदी जी, खाली जुमला नहीं बोलिए, हम बिहारी लोग हैं, हमको बुड़बक मत समझिए। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं होना है। कोई आएगा दाना देने तो उनके जाल में हमको फंसना नहीं है। मजबूती के साथ आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, BSNL बेचा, LIC बेच दिया, अब बताओ अब कहाँ जाएगा देश का लोग। महागठबंधन की महारैली में राजद सुप्रीमो लालू यादव भी जुड़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू यादव ने दिल्ली में बैठकर महारैली को संबोधित किया। लालू यादव ने कहा कि भाजपा पार्टी नहीं है, यह RSS का मुखौटा है। RSS जो चाहता है वही नरेंद्र मोदी करते हैं। भारत को बचाने के लिए एकजुटता आवश्यक है। ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है, और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए, और हम पूर्णिया के इलाका, जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेक्युलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा, और उसको पहचानना है और एकजुट होना है, और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है, और आगे 15 के चुनाव में पूरा 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है, और बिहार देश को उस पर असर होना। येचुरी साहब आके मिले थे, येचुरी जी मिले थे, और उनसे भी हमारी काफ़ी विस्तार से बात हुई। मैं बात करते रहता हूँ, लोग मिलते रहते हैं, और आपको याद करा देना मैं चाहता हूँ कि ये जो राशन कि 5 किलो तो 10 किलो हम राशन दे रहे हैं, राशन दे के हम वोट मांग रहे हैं। याद होगा 1910 में ही सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती के साथ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है राशन देने का, वितरण करने का, कि राशन जब सड़ रहा है तो राशन सड़ रहा था गरीबों को बांटो, ये मजबूती से उसका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। ये बोलते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, लगता है कि पूरा ये हल चला करके ला रहे हैं, पॉकेट से अपने ला रहे हैं, अपने घर से ला रहे हैं, और वोट मांगते हैं। तो हमको पूरा मजबूती के साथ देश को बचाना है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन बनने के बाद दिल्ली में बैठे नेताओं को 440 वोट का झटका लगा है। इसके बाद भाजपा नेताओं की तरफ से लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में काफी अनाप शनाप कहा गया। भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें शामिल होते ही वॉशिंग मशीन की तरह नेता साफ हो जाते हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत भाजपा मुक्त बनाना जरूरी है। साथियों, 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार जी शामिल हुए, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन 9 अगस्त 2022 को बना। जैसे ही महागठबंधन बिहार में बना, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिल्ली में बैठे हुए थे उनको 440 वोल्ट का तुरंत करंट लगा, और भागे भागे 23 सितंबर को पूर्णिया आए थे, इसी मैदान में सभा किया उन्होंने, बड़ा नाप सना बोले। सम्मानित नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में भी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में भी बड़ा नाप सना बोले। क्या क्या बोले उस पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन अभी आज भी आए हैं वो, आज भी आए हैं वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में उतरने के साथ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी को हर 3 महीने में प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है। अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं आता है, आपको सपना आता है कि 2024 में कैसे सड़क पर आप टहलिएगा और रोड पर घूमने का काम करिएगा। आ ये भी बोले हैं वाल्मीकि नगर में
कि जंगल राज के प्रतीक लालू प्रसाद यादव जी के गोद में बैठ गए जाके नीतीश कुमार। लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई को के सूत्रधार के प्रतीक के रूप में है। आपको क्या मालूम है, आपको क्या पता है।